हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी ड्रग्स यूज्ड इन रेडियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज जो कि बेस्ड हैं इमरजेंसी ड्रग्स यूज्ड इन रेडियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द जेनरिक नेम ऑफ एड्रेनालिन? ऑप्शन ए डायजेपाम, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी लिडोकिन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन डी एट्रोपिन सल्फेट। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन का एक जेनरिक नेम है, ठीक है। और एपिनेफ्रिन एक तरह का हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने में हेल्प करता है। और ये हार्मोन है जो कि हमारे एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर? ऑप्शन ए जाइलोकिन, ऑप्शन बी डाइफेनहाइड्रामिन, ऑप्शन सी एड्रेनालिन, ऑप्शन डी डायजेपाम। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एक ब्रांड नेम है जिसका जेनरिक नेम एपिनेफ्रिन है, जैसे कि मैंने इसमें लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। और इसको यूज किया जाता है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। ये हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है, ठीक है। और इसको मेनली इसको यूज किया जाता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए। अगर हमारा हार्ट सडनली वर्क करना बंद कर देता है तो उसको रिस्टार्ट करने में भी ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द जेनरिक नेम फॉर बेनाड्रिल? ऑप्शन ए डाइफेनहाइड्रामिन, ऑप्शन बी मैनिटोल, ऑप्शन सी मॉर्फिन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डाइफेनहाइड्रामिन। डाइफेनहाइड्रामिन बेनाड्रिल का एक जेनरिक नेम है, ठीक है। ये एक तरह का एंटीहिस्टामिन होता है जो कि यूज किया जाता है एलर्जी रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए। इसको इंसोमनिया और कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को भी रिलीव करने में इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, एंटीहिस्टामिन प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए स्टमक एंड इसोफेजियल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी प्रिवेंट्स नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन सी लोअर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ऑप्शन डी एलर्जिक रिएक्शंस। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिवेंट्स नोजिया एंड वॉमिटिंग। एंटीहिस्टामिन एक तरह के ड्रग्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया से जो रिएक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी एंटीहिस्टामिन का यूज किया जाता है। एंटीहिस्टामिन का जो एग्जांपल है वो है डाइफेनहाइड्रामिन जो कि एक जेनरिक नेम है बेनाड्रिल का। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द जेनरिक नेम फॉर एट्रोपिन? ऑप्शन ए एट्रोपिन सल्फेट, ऑप्शन बी मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन सी सिप्लाडिन, ऑप्शन डी एलर्जिन। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट एट्रोपिन का जेनरिक नेम है, ठीक है। एट्रोपिन का यूज किया जाता है ब्रेडिकार्डिया का।
ब्लॉक कर देते हैं, मीन्स हमें पेन फील नहीं होने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिप्रेसेंट, सेडेटिव एंड यूज्ड शॉर्ट टर्म टू ट्रीट इंसोम्निया। ऑप्शन ए पेंटोबार्बिटल, ऑप्शन बी क्लोरल हाइड्रेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। पेंटोबार्बिटल एंड क्लोरल हाइड्रेट को यूज किया जाता है एज ए डिप्रेसेंट एंड सेडेटिव, और इसको शॉर्ट टर्म में यूज किया जाता है टू ट्रीट इंसोम्निया। दोनों मेडिसिन को सर्जरी से पहले दिया जाता है जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो काम हो जाए। ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको स्लो कर देता है जिससे कि हमारी बॉडी काम हो जाती है। इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर सीजर्स के लिए भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द जेनेरिक नेम फॉर नेम्बुटल। ऑप्शन ए पेंटोबार्बिटल, ऑप्शन बी मेटोक्लोप्रामिड, ऑप्शन सी लोवास्टैटिन, ऑप्शन डी सिप्लाडिन। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेंटोबार्बिटल। नेम्बुटल का जो जेनेरिक नेम है वो पेंटोबार्बिटल है, और उसका यूज किया जाता है बॉडी को काम करने के लिए बिफोर सर्जरी और अदर प्रोसीजर्स। ठीक है, इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर सीजर्स के लिए भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन टेम्परली स्लो डाउन द पेरिस्टाल्सिस। ऑप्शन ए मेटोक्लोप्रामिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्सीजाइन, ऑप्शन सी ग्लूकागोन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का यूज किया जाता है पेरिस्टाल्सिस को टेम्परेली स्लो डाउन करने के लिए। यह एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। यह हमारे लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है और रिलीज करता है ग्लूकोज को फ्रॉम द लीवर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीकोगुलेंट। ऑप्शन ए वारफेरिन सोडियम, ऑप्शन बी लिडोगन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन सी मेटोक्लोप्रामाइड, ऑप्शन डी डेम्ब्रोल। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वारफेरिन सोडियम। वारफेरिन सोडियम का यूज एज एन एंटीकोगुलेंट किया जाता है। एंटीकोगुलेंट हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉट्स को बनने से रोकते हैं। एंटीकोगुलेंट्स को ब्लड थिनर्स भी बोला जाता है क्योंकि हमारे ब्लड को थिन करते हैं और क्लॉट बनने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शन ऑफ हेपारिन इज। ऑप्शन ए स्लोस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी लोअर्स इचिंग इन आईज, ऑप्शन सी लोअर्स फेशियल एडिमा, ऑप्शन डी स्लोस डाउन द पेरिस्टाल्सिस। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्लोस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हेपारिन एक तरह का एंटीकोगुलेंट है जिसको ब्लड थिनर भी कहते हैं, और इसको यूज किया जाता है ब्लड क्लॉट्स को बनने से रोकने के लिए। एंटीकोगुलेंट्स के जो एग्जांपल्स है वो हैं रिवारोक्सिबेन, एडोक्सिबेन और हेपारिन। ब्लड थिनर्स को एंटीप्लेटलेट ड्रग्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। ऑप्शन ए रेगलान, ऑप्शन बी पेंटोबार्बिटल, ऑप्शन सी डेम्ब्रोल, ऑप्शन डी प्रोकार्डिया। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेगलान। रेगलान का यूज किया जाता है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को रिड्यूस करने के लिए। ये हमारे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक के जो मसल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है जिससे कि जो स्टोमक के एम्प्टी होने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, रेगलान एक ब्रांड नेम है। ठीक है, इसका जो जेनेरिक नेम है वो है मेटोक्लोप्रामिड। क्वेश्चन नंबर 19, वेरापामिल इज यूज्ड टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी एंजिना, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी।
वेरापामिल यूज़ किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर और एंजिना को कंट्रोल करने के लिए। एंजिना चेस्ट पेन के बोला जाता है, और वेरापामिल एक तरह का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। ये कैल्शियम को हार्ट और आर्टरीज के सेल्स में जाने से ब्लॉक करता है। कैल्शियम हार्ट और आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अगर कैल्शियम की एंट्री ब्लॉक हो जाती है तो हमारे जो हार्ट और आर्टरीज हैं वो लेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इससे कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन एडवर्स रिएक्शन एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ आईवी कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ऑप्शन ए नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन बी रीनल टॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी हेडेक, ऑप्शन डी माइल्ड स्किन रैश। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रीनल टॉक्सिसिटी। रीनल टॉक्सिसिटी एक वेल नोन एडवर्स रिएक्शन है जो कि आईवी कॉन्ट्रास्ट के रिएक्शन से होता है। रीनल टॉक्सिसिटी को हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी या रीनल इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं, जिसमें किडनी फंक्शन 80-90% कम हो जाता है या किडनी काम करना है इसमें बंद कर देती है। ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के वजह से होता है, ठीक है। और जो किडनी का जो डैमेज है ये रिवर्सिबल होता है, मीन्स ये ठीक भी हो सकता है अगर हम इसको सही टाइम पर इसकी पहचान कर लें और जो हम मेडिसिन दे रहे हैं जो कि किडनी को डैमेज कर रही है उसको डिसकंटिन्यू कर दें, मीन्स बंद कर दें, तो किडनी का जो फंक्शन है वो रिवर्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ एडवर्स रिएक्शन एसोसिएटेड विद आईवी कॉन्ट्रास्ट। ऑप्शन ए एलर्जिक रिएक्शंस, ऑप्शन बी एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, ऑप्शन सी लोकल टिश्यू डैमेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एलर्जिक रिएक्शंस, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस और लोकल टिश्यू डैमेज, ये सब एडवर्स रिएक्शन है जो कि आईवी कंट्रास्ट के यूज़ करने से होता है। इस तरह के रिएक्शंस को रोकने के लिए हमें प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले जो इमरजेंसी ट्रे है उसको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि उसमें ज़रूरी मेडिसिन जो होनी चाहिए वो सबको चेक करना चाहिए। अगर प्रोसीजर करते टाइम हमें इस तरह का कोई रिएक्शन देखने को मिलता है तो हमें तुरंत कंट्रास्ट का इंजेक्शन रोक देना चाहिए। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कंट्रास्ट से किस तरह की स्किन रिएक्शंस हो सकती हैं। आप इस तीनों इमेज में देख सकते हैं किस तरह की अलग अलग स्किन रैश हो सकते हैं। अगर प्रोसीजर करते टाइम आपको भी इस तरह की कोई रिएक्शन देखने को मिलता है तो तुरंत रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग जो भी इसमें ज़रूरी मेडिसिन है वो तुरंत देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग एन एडवर्स रिएक्शन। ऑप्शन ए प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी एलर्जीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अस्थमा। जिन पेशेंट्स को कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो होते हैं जिनको पहले से कोई रिएक्शन हो कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, ठीक है, जिनको अस्थमा हो या जिसको एलर्जीज हो कोई, ठीक है। तो इस तरह की एलर्जीज को रोकने के लिए हम प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ही इनको एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे सकते हैं इस तरह की रिएक्शंस को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, द पेशेंट्स विद हाई रिस्क फैक्टर्स ऑफ एडवर्स रिएक्शंस बाय कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर प्री ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन बी डाइफेनहाइड्रामीन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनको प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले ही हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और डाइफेनहाइड्रामीन देते हैं जिससे कि रिएक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक तरह के स्टेरॉयड होते हैं जो कि स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक मैनमेड वर्जन होते हैं हार्मोन के जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस किया जाता है एड्रिनल ग्रैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज टू इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। ऑप्शन ए मैनिटॉल, ऑप्शन बी ग्लूकागोन, ऑप्शन सी डैमरोल, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैनिटॉल। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक तरह का मेजर है जो कि बताता है हमारी किडनीज किस रेट से ब्लड फिल्टर कर।
स्पैज़म बोलते हैं। ब्रोंकोस्पैज़म कॉन्ट्रास्ट के रिएक्शन की वजह से होता है और उसको ट्रीट करने के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन जो कि एक तरह का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसका यूज़ किया जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं नॉर्मल एयरवे और ब्रोंकोस्पैज़म। जो लेफ्ट साइड में जो है वो नॉर्मल एयरवे है, ठीक है, जो राइट साइड में है वो है ब्रोंकोस्पैज़म। ब्रोंकोस्पैज़म में जो हमारा एयरवे होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो पासेज है वो काफ़ी नैरो हो जाता है और हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रास्ट रिएक्शंस रिक्वायर ओनली सपोर्टिव मैनेजमेंट। ऑप्शन ए नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन बी एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी हेडेक एंड फ्लशिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कॉन्ट्रास्ट मीडिया से माइल्ड रिएक्शंस भी होते हैं जैसे कि नोजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक एंड फ्लशिंग। इस तरह की माइल्ड रिएक्शंस के लिए सपोर्टिव मैनेजमेंट ही काफ़ी होता है। सपोर्टिव मैनेजमेंट में आईवी फ्लूड, ऑक्सीजन और वाइटल्स मॉनिटर करना होता है। इस तरह के सिम्टम जनरली 10 से 15 मिनट में अपने आप चले जाते हैं, तो उसमें कोई इमरजेंसी केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू डेवलप ब्रोंकोस्पैज़म। ऑप्शन ए बोन मेटास्टेसिस, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी लीवर डिसीजेस, ऑप्शन डी प्रोस्टेट कैंसर। यहाँ पर इसके राइट आंसर है ऑप्शन बी अस्थमा। कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन की वजह से जो ब्रोंकोस्पैज़म होते हैं वो अस्थमा वाले पेशेंट्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि अस्थमा एयर वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है या नैरो कर देता है, ठीक है, तो उनमें ब्रोंकोस्पैज़म डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है ब्रोंकोस्पैज़म को ट्रीट करने के लिए। आप इस इमेज में देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड का जो एयर वे है वो नॉर्मल लंग का है, ठीक है, जो राइट साइड में जो एयर वे है वो अस्थमेटिक लंग का है। मीन्स इसके जो एयर वे वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, उसमें जब कॉन्ट्रास्ट दिया जाएगा, जो कॉन्ट्रास्ट से रिएक्शन होगा बाई चांस, तो उसमें ब्रोंकोस्पैज़म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्टरनेटिव टू डायजापाम इफ द पेशेंट इज एलर्जिक टू द सेम। ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी हाइड्रोक्सीजाइन, ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी नो अल्टरनेटिव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोक्सीजाइन। हाइड्रोक्सीजाइन का यूज़ किया जाता है अगर कोई पेशेंट डायजापाम से एलर्जिक होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सीजाइन एक तरह का एंटीहिस्टामिन है जिसको यूज़ किया जाता है एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि एंग्जाइटी, नोजिया और समटाइम्स इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए।